स्कॉलरशिप की हम पिछली वीडियो में हमने बात किया हुआ था कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, साथ ही साथ रेनुअल का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हमने चर्चा किया हुआ था, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन डेट कब स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट कब है, टोटल इन सभी चीज़ों पे हमने बात किया हुआ था। हेलो दोस्तों, मैं वरुण निषाद और आप देख रहे हैं एसआई टेक चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी स्कॉलरशिप का आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें फॉर्म फिलअप करने से पहले आप क्या क्या टॉपिक है या क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर ध्यान देंगे। यदि आप उन जो भी बताए गए महत्वपूर्ण टॉपिक को आप ध्यान देते हैं फॉर्म भरने से पहले, तो आपका छात्रवृत्ति आने का चांसेस ज़्यादा होता है। और मेरे तरफ से आपको ये गाइडलाइन या फिर जो भी स्कॉलरशिप से बात करें तो स्कॉलरशिप के थ्रू स्पेशली गाइडलाइन जारी किया गया है, तो उस गाइडलाइन को आप फॉलो करें फॉर्म भरते समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम एड्रेस बार में scholarship.up.gov.in टाइप करके जब इंटर करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, जिसमें आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पैनल में डाउनलोड लिंक्स 2022-23 दिया गया है। इसके नीचे आप यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया हुआ था, लेकिन हमने स्पेशली इस पर एक आधारित वीडियो जो भी है हम यहाँ पे बना रहे हैं आपको, ताकि स्पेशली आपको वो चीज़ें कवर कर सकूँ। तो हम जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन होगा, उसमें एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी और यहाँ पर आप देखेंगे छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। इसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहले तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे इसको, पढ़ने के बाद ही आप जब भी ऑनलाइन करवाएं तो इसमें जो भी गाइडलाइन दिया गया है उसी के अनुसार ही आप अपना फॉर्म फिलअप करवाएं। तो चलिए हम जान लेते हैं, ये जो पहला जो ऑप्शन है, जो पहला जो गाइडलाइन है, ये तो पिछली गाइडलाइन के पीछे जो पिछली वर्ष जो गाइडलाइन था उसी के अनुरूप ये भी है। और हम जो दूसरी गाइडलाइन की बात करते हैं, हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्मतिथि का उसी तरह आधार कार्ड में अंकन होना, ये जो गाइडलाइन था ये पिछली बार भी था और इस बार भी लागू होगा, तो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि जो हाई स्कूल में डेटा है, और जैसे हाई स्कूल में नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है और जेंडर है, सेम हमारा वो आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। जैसे जो हाई स्कूल में नेम है वो आधार कार्ड में भी होना चाहिए, जो डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल में वो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में भी होना चाहिए। तो टोटली सभी चीज़ें जो यहाँ दूसरी लाइन में दिया गया है वो मैच होनी चाहिए। और बात करें थर्ड पॉइंट की, जैसे यहाँ पे आधार नंबर का जनसंख्यांकी प्रमाणीकरण, डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, आधार नंबर, नाम एवं जन्मतिथि का मिलान तथा आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को ऑनलाइन टेम्पररी लॉक कर सकेगा। कहने का मतलब है कि ये जो अपडेट है ये भी अपडेट पिछली बार थी, और इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो बीच में ही आपसे आधार ऑथेंटिकेशन मांगा जाएगा। तो उस समय जब आपका आधार कार्ड और हाई स्कूल का जब डेटा सेम होगा तो आधार ऑथेंटिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी या कोई भी समस्या नहीं होगी, वो सिंपली मैच कर जाएगा डेटा और उसके बाद आप फॉर्म को लॉक कर सकते हैं। और लॉक करने के बाद आप जो कॉलेज में जमा करते हैं तो वो कॉलेज में आप जमा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका डेटा मैच नहीं करता है तो आप उस कंडीशन में फॉर्म को लॉक नहीं कर पाएंगे और उस समय आपका जो भी फॉर्म होगा वो अनसक्सेसफुल माना जाएगा या फिर इनकम्प्लीट रहेगा। अब बात करते हैं अगले स्टेप, अगले नंबर की। यहाँ पर हम देखते हैं आधार नंबर से लिंक बैंक खाता एवं NPCI में सीडिंग अनिवार्य है। इसका मतलब कि जो भी आप बैंक खाता स्कॉलरशिप में लगाएंगे वो बैंक में आपका NPCI इनेबल होना चाहिए और उसमें सीडिंग या फीडिंग जो है आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट नंबर जब आधार कार्ड लिंक रहेगा तो वो लिंक तो हो गया, लेकिन उसमें सीडिंग होना ज़रूरी है। जैसे कि मतलब जब आपका सीड रहेगा तो जब भी आधार कार्ड के थ्रू जब पैसा पेमेंट होगा तो डायरेक्टली आपके खाते में चला जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमारा अकाउंट नंबर से हमें सेंड करेंगे हमारा जो छात्रवृत्ति की राशि है तो हमारे खाते में आएगा, वो आधार नंबर से अगर आपका अकाउंट लिंक है तब भी आपके खाते में डायरेक्टली वो चला जाएगा आधार नंबर से सेंड करने पर भी। इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराएँ, अन्यथा स्थिति में ट्रांजेक्शन फेल होने की संभावना रहेगी। यानी कि जो भी आपका सेडिंग फेडिंग का कार्य है वो टोटली आप बैंक से जा करके स्पेशलिस्ट को करवा लें, कंप्लीट करवा लें, और कंप्लीट करवाने के बाद ही अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करें, या फिर फॉर्म भरने के बाद भी आप ज़रूर जा करके उसको सेडिंग या फेडिंग जो भी है आप अपना करवा लें। वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति का भुगतान
आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ही होगा। इसका मतलब यही कि जो आधार नंबर से बैंक अकाउंट लिंक है उन्हीं में आपका छात्रवृत्ति की जो धनराशि है वो सेंड की जाएगी। अगले टॉपिक की बात करते हैं, अपना आधार लिंक बचत खाता बैंक खाते में लिंकिंग एवं NPCI में सीडिंग के साथ संचालित रखें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर 3 माह में बैंक खाते में ट्रांजेक्शन अवश्य करें। इसका मतलब यह है कि जो भी आपका बचत खाता है वो आधार कार्ड से तो लिंक होना ही चाहिए, NPCI सीडिंग होना चाहिए, ये हमने पिछले टॉपिक में भी बात कर लिया था। और संचालित जैसे जो भी आपका बैंक खाता है उसको आप निरंतर उसमें लेन देन करते रहें, प्रत्येक 3 माह के अंतर्गत आप उसमें लेन देन बनाए रखें। यदि आप लेन देन बनाए नहीं रखेंगे तो आपका जो खाता है वो टेम्प्रोरी ट्रांजेक्शन के लिए डिजेबल हो जाएगा। तो जब उस समय धनराशि अगर सेंड की जाएगी तो उस समय आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है अमाउंट रिसीव करने में। और अगली बार हम टॉपिक में बात करेंगे तो आधार लिंक बचत खाते को भली भांति जांच लें, बिना आधार सीजेड खाता संख्या बैंक खाते के लिंकिंग एवं NPCI में सीडिंग के साथ भरने पर PFMS के माध्यम से छात्र को आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। नवीनीकरण के छात्र छात्राएं जिनका आधार एवं OTP प्रमाणीकरण एक बार हो चुका है उसे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब कि जैसे जो भी आपका आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसको आप पहले तो श्योर कर लें, और यदि आप ये श्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो भी आधार कार्ड है किस बैंक अकाउंट से लिंक है तो उसके लिए आप यहाँ पर आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आप माई आधार में आएंगे और माई आधार के अंतर्गत आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दिया है चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर है जैसे वो आधार नंबर टाइप करेंगे। और टाइप करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को आप फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके मोबाइल पे जो भी आधार से लिंक मोबाइल होगा उस पे वो मैसेज चला आएगा और उस OTP को आप यहाँ पर देख करके टाइप कर देंगे। तो हम यहाँ पे जो भी हमारा OTP आया हुआ है उसको हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, और टाइप करने के बाद हम सबमिट करेंगे। और जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा बैंक अकाउंट आधार से लिंक होगा वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। तो हम ऐसे चेक कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने पिछले स्क्रीन पर। तो यहाँ पे जब भी आप आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर लेंगे कि किस बैंक से लिंक है, और उसके बाद आपका जो भी डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन जब हो जाएगा तो फिर बाद में आपको डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन या आधार प्रमाणीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं हमारे द्वारा आपको बताया गया है, और आप इसको स्पेशली एक बार फॉर्म भरने से पहले पढ़ लें। दोस्तों हमारे द्वारा जो वीडियो में जो भी टॉपिक बताया गया है उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। दोस्तों यदि यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।